करेंगे बेमित्रा जिले के ग्राम पड़की डीह में, जहां पर मोहल्ला क्लास के अंतर्गत बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और ये इसलिए मुमकिन हो पा रहा है क्योंकि कोरोना काल में स्कूल बंद है और बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए जिले के गांव-गांव में पढ़े लिखे युवाओं के द्वारा नन्हे बच्चों को पाठ पढ़ाया जा रहा है। प्रदेश सरकार के पढ़ई तुहर द्वार के माध्यम से गांव में मोहल्ला क्लास शुरू की गई है, जहां युवा बच्चों को चौपाल लगाकर पढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें बच्चों और शिक्षकों का विशेष योगदान है। हम सभी शिक्षक अपनी शिक्षा से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो तीसरे दिन स्कूल बंद है जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी, तो इसको देखते हुए हम अपने शिक्षक के यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, जिसमें बच्चे भी पालकों की इच्छा के अनुसार स्कूल। और इसी पर सारा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता दिलीप साहू जुड़ गए हैं। दिलीप, काफी अच्छी पहल इसे कह सकते हैं दिलीप, कि बच्चों की पढ़ाई भी हो रही है और जो युवा है उनका रिवीजन भी हो रहा है। पूरा पूरा प्रदेश में कोरोना काल चल रहा है जिसके चलते स्कूल बंद है अभी तक, लेकिन हमारे बेमेतरा जिले में ध्यान योजना के तहत जहाँ पढ़े लिखे बच्चे हैं गाँव के, जो चौपाल लगा के क्लास लगा के बच्चों को नन्हे नन्हे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, वहाँ पर पालक और शिक्षक के द्वारा और उनको अच्छी मदद किया जा रहा है, जैसे पेड़ों के नीचे पढ़ाई करके उनको बच्चों को अच्छा कुछ पढ़ाया जा रहा है उन लोगों बच्चों को। जी चलिए दिलीप, तो हमारे साथ में जुड़े के लिए तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो एक्सप्रेस स्पेशल में फिलहाल इतना ही, पर आप देखते रहिए।